हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेवल टेक स्वागत। तो एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि आपका निकला हुआ है पटना से। ये वैकेंसी आ रही है जिसमें कि एम्स पटना से वैकेंसी आ रही है जिसमें कि लेफ्ट टेक्निशियन की पोस्टें हैं। और ये पोस्ट जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा डिटेल्स बताएंगे कि कितनी पोस्टें हैं, सैलरी क्या मिलने वाला है और ये पोस्टिंग कहाँ के लिए ली जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस इन एक्सटर्मिनल रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल ICMR नेटवर्क्स ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दैट मीन्स ये ICMR के तहत ये जो है आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो है वहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। ये जो है किसके ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के ऊपर ये जो है प्रोजेक्ट चल रही है। उसे बोला गया है कि 8 तारीख इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू है जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज़ हम नीचे बताएंगे आगे बढ़ के। ठीक है, ये जो है आपको प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, और ये जो है अंडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सौरभ कर्माकर के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है चलने वाला है। कहाँ पर? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पोस्ट दिया गया यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो का, जिसमें कि 1 पोस्ट है और इसके लिए जो है MSc मोलिकुलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी लैब साइंस विथ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, और या तो MBBS होना चाहिए और 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या तो MBBS, BDS, BAMS विथ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, आपका एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स। इसके बाद जो है आपका मंथली सैलरी जो मिलने वाला है 35,000 प्लस 16% जो है आपको HRA मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसका यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट टेक्नीशियन Grade 3। इसमें भी टोटल एक ही पोस्ट है और 12 पास होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में। ठीक है, DMLT होना चाहिए। इसके बाद है इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12 पास होना चाहिए या तो 1 ईयर का DMLT प्लस 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिजाइबल जो है क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। ठीक है, आप इसको जो है डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपका एज लिमिट जो दिया गया है 30 ईयर्स, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो असिस्ट डाटा कलेक्शन इन द फील्ड एज वेल एज टू फैसिलिटेट डाटा एंट्री। He या she will be involved in conducting exit interviews, organizing focus group discussion and in-depth interviews। ठीक है, ये आपका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। जॉब ड्यूरेशन जो है कितने दिन के लिए रहने वाला है, एट फर्स्ट आपको 1 ईयर्स के लिए जो है रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद फिर ये एक्सटेंड किया जाएगा टिल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जब तक ये आपका चलता रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्लेस ऑफ वर्क जो दिया गया एम्स पटना में होने वाला है बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बोला गया है लेसन विजिट्स एज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स और रिक्वायर्ड जैसे रहेगा वैसे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा फील्ड वर्किंग में। इसके बाद है मंथली जो सैलरी मिलने वाला है आपको 18,000 पर मंथ मिलने वाला, ये फिक्स सैलरी रहने वाला है आपको। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ बोला गया ऑल कैंडिडेट शुड सबमिट द फील्ड अप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसमें जो है एक फॉर्मेट दिया है उसको फिलअप करना है, फ्रॉम फॉर्मेट एंड बायोडाटा जो है ऑन द डे ऑफ वर्किंग ऑफ द ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू एंड शुड अपीयर इन द पर्सन फॉर वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस एट 9 AM ऑन 8 December। बोला गया है कि जितने भी है आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ जो है बायोडाटा एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो इसमें दिया गया है उसको फिलअप करके सारा चीज़ लाना है। कहाँ पर लाना है, तो एड्रेस दिया गया सेमिनार रूम पल्मोनरी मेडिसिन 3rd floor न्यू OPD बिल्डिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फुलवारी शरीफ पटना, यहाँ पे आपको इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। और ये जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट का जो है फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी फिलअप करके इंटरव्यू के समय आपको इसको भी लेके जाना है। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं, धन्यवाद।